याकूतपुरा अली अखाड़े में कुश्तियाँ मुनाकिद हुई, वहाँ पर जीत हासिल की। याकूतपुरा अली अखाड़े में कुश्तियों का मुकाबला हुआ, इन खिलाड़ियों की गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। इन दो लोगों ने अव्वल नंबर पर जीत हासिल की और खुशी का इजहार किया और ये लोग कुश्तियों में नेशनल कंपटीशन में सेलेक्ट हुए। और इन दोनों पहलवानों के नाम हैं मुस्तफ़ा बिन सलाम और मुस्तफ़ा बिन अली है, और इन लोग के उस्ताद का नाम है सलाम बिन यूसुफ। 99 टीवी की जानिब से हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। इन लोग ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि कसक करने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें और पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दें। बिन सालम, सालम परवानी का बेटे, मेरे को मेरे फादर सालम बिन यूसुफ ट्रेनिंग देते हैं और मेरे उस्ताद भी है वो, और उनकी प्रैक्टिस के वजह से U23 नेशनल ट्रायल्स में मैं गोल्ड लिया 86 kg में, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड और कितने टाइटल जीते हैं? मैं अब तक 7 टाइटल जीता स्टेट में, U15, U17, U19, ये U23 था जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई। नौजवानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी वो प्रैक्टिस करें और नमाजों की पाबंदी करें, शाम में जल्दी सोए और सुबह प्रैक्टिस करें, पढ़ाई लिखाई में तजुर्बे। उस्ताद मोहतरम कौन है सर? अब दोनों मेरे बच्चे के सर के, मैं ये बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, मैं इनको दोनों को मैं अपने से ही कराता हूँ। आपकी शागिर्द? हाँ, मेरे शागिर्द है। अब तक बार बोल सका अभी तक नहीं, वो तो भी 6-7 टाइटल जीत चुके हैं, 6-7 पूरा जो भी हूँ सहद की तरफ से हूँ, पूरा सपोर्ट था बेटे का था ट्रेनिंग देते जी। कैसा लगा आज यहाँ पर गुलपोशी की गई मुस्तफ़ा के ख्वाजा मियाँ और एजाज भाई की तरफ से और मोइन शेर और पप्पू की तरफ से यहाँ पे गुलपोशी किया गया। ये लोग स्टेट में फर्स्ट आए, फिर आज डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले थे नेशनल को जाने के लिए, उसके अंदर ये लोग फर्स्ट आए, इसलिए यहाँ पर इनकी गुलपोशी की गई है। किसमें फर्स्ट आए? कुश्ती में, रेसलिंग कुश्ती में। हाँ, नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए ये लोग। कहाँ पर हुआ था ये? अली उस्ताद अखाड़े में। कब से कर रहे हैं लोग? कब से?